सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पारस गाबा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस होगी, क्योंकि आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस थार गाड़ी का, जिसकी ओनरशिप मेरे फ्रेंड अंकित के पास है। अंकित इस गाड़ी को लगभग 40,000 किलोमीटर चला चुका है, और 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद इसकी सारी अच्छाई बुराई, इसके टायर की परफॉर्मेंस, इसके इंजन की परफॉर्मेंस, जितनी भी इसमें खामियां हैं, खूबियां हैं, सब वो जान चुका है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस थार के बारे में, एक भी पॉइंट आपके लिए हम नहीं छोड़ेंगे, ताकि आप एक फाइनल डिसीजन ले पाए कि आपको थार खरीदने में कोई फायदा है या नहीं। अगर आपका थार खरीदने का सपना है या आप थार खरीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, ताकि आपको डिटेल में पता लग पाए। तो आपका ज्यादा समय ना खराब करते हुए शुरुआत करते हैं गाड़ी के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। ये जो सामने आप थार देख रहे हैं, ये है थार का LX टॉप वेरिएंट। ये गाड़ी का सबसे टॉप वेरिएंट है, जिसकी कीमत हरियाणा में ऑन रोड अराउंड 19 लाख के करीब पड़ती है। इस गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ साथ आपको 4x4 का ऑप्शन भी मिलेगा, जो ऑफ रोडिंग के लिए बड़ा ही जबरदस्त होता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस गाड़ी पे जो 19 लाख की इन्वेस्टमेंट हुई है, हम आपको उसका बिल्कुल डिटेल रिव्यू देंगे, ताकि आप इजिली डिसाइड कर पाए कि आपको भी वो 19 लाख खर्चने हैं या नहीं। कोई भी गाड़ी जब भी इंसान खरीदता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसके माइंड में आता है गाड़ी के इंजन को लेकर, कि आखिर इसमें इंजन कैसा है। थार के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 सिलेंडर का 2184 सीसी का इंजन आता है, जो मैक्सिमम पावर 130 bhp और मैक्सिमम टॉर्क 300 न्यूटन मीटर की प्रोड्यूस करता है। इसमें जो 2.2 लीटर का एमहोक की बैजिंग के साथ इंजन है, अगर उसकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करूं, जैसे कि ये गाड़ी 40,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो उसने कैसा परफॉर्म किया, इंजन बहुत पावरफुल है। बहुत सी गाड़ियों में आपको अंडर पावर इंजन फील होते हैं, गाड़ी बेशक दिखने में कैसी भी हो, लेकिन अगर इस गाड़ी की बात करूं, इसका इंजन बहुत सही परफॉर्म करता है। चाहे वो हाईवे की बात हो या वो ऑफ रोडिंग की बात हो, इसके इंजन की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहना, क्योंकि ये रिव्यू बिल्कुल प्योर ओनरशिप का है। अब इंजन के बाद जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है किसी भी गाड़ी को खरीदते टाइम, वो होती है उसकी माइलेज परफॉर्मेंस, की आखिर कितना माइलेज देती है वो गाड़ी। इसकी माइलेज की बात करूं, तो ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि अगर आप सिटी में चला रहे हैं या इसको लोकल चला रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर की ये आपको माइलेज देगी। वहीं दूसरी ओर अगर हाईवे की बात करें, तो लगभग 14 किलोमीटर की पर लीटर आपको ये माइलेज दे देगी। ये माइलेज ठीक ठाक है, ना मैं इसको बहुत ज्यादा कहूंगा, ना मैं इसको बिल्कुल कम कहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब का इसमें इतना बड़ा इंजन है, उस हिसाब से ये माइलेज सही है और बिल्कुल बढ़िया है। माइलेज मैंने आपको बिल्कुल रियल बताई है, ताकि आप डिसाइड कर पाए कि इतनी माइलेज वाली आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं। अब गाड़ी के इंजन और माइलेज बताने के बाद, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिस पे गाड़ी चलती है, वो है इसके टायर। टायर्स के बिना ये इंजन क्या ही परफॉर्म कर लेंगे। तो इन टायर की परफॉर्मेंस कैसी है, ऐसा बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये टॉप वेरियंट है, इसलिए इसके अंदर ये वाले एलॉय व्हील्स आते हैं। 50% से भी ज्यादा लोग थार गाड़ी लेते ही उसमें एलॉय व्हील्स चेंज कराते हैं। वो एक शौक के लिए चेंज कराते हैं, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं एक्सटीरियर लुक्स के लिए, लेकिन जैसे ही वो एलॉय व्हील्स डलते हैं, गाड़ी की परफॉर्मेंस भी गिर जाती है और साथ ही गाड़ी की माइलेज भी बिल्कुल कम हो जाती है। ये एलॉय व्हील्स इस गाड़ी के हिसाब से बिल्कुल अच्छे हैं, लुक्स में भी और परफॉर्मेंस में भी। और अब बात करें टायर की प्रोफाइल की, तो गाड़ी के टायर 255/65 R18 की प्रोफाइल के साथ आते हैं। 40,000 किलोमीटर चलने के बाद रियल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू ये है कि ये गाड़ी के टायर बेहद बढ़िया परफॉर्म करते हैं। इन्होंने किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं दी, स्टेबिलिटी भी एक नंबर की है और इनकी परफॉर्मेंस भी एक नंबर की है। चाहे वो हाईवे की बात कर लो या वो लोकल ऑफ रोडिंग की बात कर लो, इनकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस गजब निकली है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये टायर स्पेशली इसी पर्पज के लिए कंपनी ने डिजाइन किया है, तो आफ्टर मार्केट टायर्स या अलॉय व्हील्स वाले टायर से बहुत बेटर ये वाले टायर परफॉर्म करते हैं, इस चीज को याद रखना। मैं गाड़ी की इतनी तारीफ कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इसकी कमियां नहीं गिन पाऊंगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं इस गाड़ी की आपको एक एक कमी गिनवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं गाड़ी की ब्रेकिंग की, कि आखिर इसकी ब्रेक्स कैसा परफॉर्म करती है। ब्रेकिंग की बात करें, तो थार में भर भर के फीचर है, जैसे कि ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ऐसे बेहद फंक्शन है जो इसकी ब्रेकिंग को और इसकी स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बनाते हैं।
तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि इसकी ब्रेकिंग बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आप नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं उसमें लाइट फुट पे आपको ब्रेक्स की परफॉर्मेंस पता लगती है कि हल्का सा दबाते ही गाड़ी रुक जाती है। इस गाड़ी में आपको थोड़ा सा हैवी फीट रखना पड़ेगा, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस लाजवाब है, एक नंबर की है, लेकिन इसकी ब्रेकिंग थोड़े से हैवी फुट पे ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब गाड़ी के फ्रंट में आ चुके हैं जहां हम बात करने वाले हैं इसकी हेडलाइट्स की, क्योंकि जो भी लोग नाइट में गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, नाइट को उनकी ज्यादा रनिंग है, उनको पता होनी चाहिए कि 19 लाख खर्चने के बाद गाड़ी की हेडलाइट कैसी परफॉर्मेंस देती है। आपको मैं बता दूं इसमें इस समय जो हेडलाइट्स हैं ये चेंज्ड हेडलाइट्स हैं, ये एक्सेसरीज में लगी हुई हैं, ये ग्रिल और ये हेडलाइट्स बोथ चेंज्ड हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि क्यों, क्योंकि इसमें जो हेडलाइट्स आती है वो बड़ी ही बेसिक सी सिंपल सी हेडलाइट आती है। 19 लाख की गाड़ी होने के बावजूद ना तो आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलेगी, ना ही आपको प्रोजेक्टर फोग लैंप मिलेंगे, जबकि छोटी छोटी गाड़ियों में आपको फोग लैंप और हेडलाइट्स आजकल प्रोजेक्टर मिलने लगी है। जो बेसिक सी इसमें लाइट्स आती है वो हेलोजन बल्ब के साथ आती है। अगर उनकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करूं तो ओनर ने मुझे बोला कि उसकी परफॉर्मेंस उन्हें तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगी, उनको उसकी परफॉर्मेंस सो लगी, या बोलूं कि बस काम चलाऊ लगी, इसलिए उन्होंने ये हेडलाइट चेंज करा ली। आपके पास आपकी मर्जी है कि आप इसको चेंज कराएं या ना कराएं, लेकिन कंपनी के साथ जो हेडलाइट्स आती है उनकी परफॉर्मेंस एवरेज है, ना वो बहुत बढ़िया है ना वो बेकार है, वो बस ठीक ठाक है, काम चलाना चाहे तो आप चला सकते हैं। अब एक अहम सवाल उठता है जो हर कंज्यूमर के माइंड में होना चाहिए और मैं जिसकी प्रेफरेंस रखता हूँ, वो है कि गाड़ी कितनी सेफ है, कितनी सॉलिड है, कैसी है इसकी बिल्ट क्वालिटी। महिंद्रा की बात करें, महिंद्रा सॉलिड गाड़ियां ही बनाता है, तो थार की बात करूं तो थार को एन कैप 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग ग्लोबली मिल चुकी है, जो कि एक इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन दूसरी ओर अगर एक और बात करें, गाड़ी का टॉप वेरिएंट होने के बावजूद इसमें सिर्फ आपको दो ही एयरबैग मिलते हैं, जबकि इसको और गाड़ियों से कंपेयर करें, हालांकि इसका कोई खास कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है, स्टिल अगर टॉप वेरियंट्स की बात करें उन गाड़ियों में आपको 4 से 6 एयरबैग मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा ये फीचर की कमी है, सेफ्टी चाहे आपको 4-स्टार मिल गई लेकिन एयरबैग की इसमें कमी है, इस चीज का आप ध्यान रखें गाड़ी को परचेज करते टाइम। गाड़ी का एक्सटीरियर हम कवर कर चुके हैं, अब मैं बात करने वाला हूं गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर में सबसे पहले बात करूंगा गाड़ी के स्टेयरिंग की, क्योंकि इसका मेन रोल है। स्टेयरिंग की बात करूं, जो स्टेयरिंग की परफॉर्मेंस है, ना तो ये स्टेयरिंग लाइट फील होता है, ना ये स्टेयरिंग हार्ड फील होता है, ये स्टेयरिंग बिल्कुल सही फील होता है। तो ऑल ओवर परफॉर्मेंस स्टेयरिंग की बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात आप याद रखना कि इस गाड़ी के स्टेयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट तो मिल रही है, लेकिन टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलती। गाड़ी का टॉप वेरिएंट होने के बावजूद टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट ना देना कहीं ना कहीं मजे वाली बात नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी गाड़ियों में भी आजकल आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलने लग गई है। वहीं दूसरी ओर इसकी एक और बात बताऊं तो जो थार का स्टेयरिंग है, नॉर्मल गाड़ियों से थोड़ा सा टर्न्स पे कॉर्नर्स पे आपको एक्स्ट्रा मोड़ना पड़ता है, इस चीज को ओनर ने पर्सनली बहुत महसूस किया है कि इसके स्टेयरिंग को हल्का सा थोड़ा एक्स्ट्रा मोड़ना पड़ता है। हालांकि अब उन्हें आदत हो गई है, लेकिन नॉर्मल गाड़ियों की तरह आप ये नहीं कि हल्का सा मोड़ेंगे आपकी गाड़ी मुड़ जाएगी। टर्निंग रेडियस गाड़ी का चाहे छोटा है, थोड़ी सी जगह में भी ये गाड़ी इजिली मुड़ जाती है, लेकिन इस स्टेयरिंग को आपको थोड़ा सा ज्यादा मोड़ना पड़ता है। तो अब बात करते हैं गाड़ी के स्पेस एंड सीट्स की, कि आखिर इसमें सीट्स कैसी हैं, स्पेस कैसा है। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट सीट्स दिखा दूं, ये जो फ्रंट सीट्स हैं इसमें अच्छी कुशनिंग हो रखी है जो आपको बिल्कुल सही सिटिंग पोस्चर देती है और आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं आपको इस सीट्स पर बैठ कर दिखाऊंगा तो आप महसूस करेंगे कि ये सीट्स स्मॉल इन साइज है, इनका साइज बड़ा नहीं है, ये ठीक ठाक सी एक फिट सी सीट है जिसमें अगर मेरे से ज्यादा हेल्दी इंसान बैठेगा तो वो महसूस करेगा कि ये सीट्स छोटी है। जैसे कि आप देखिए कि इसमें मुझे पूरा थाई सपोर्ट नहीं मिल रहा, थाई सपोर्ट में थोड़ी सी कमी है। सीट्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, आपको ये सीट पकड़ के रखती है और आपको बॉडी रोल भी कम महसूस होने देंगी। स्टिल सीट्स का साइज छोटा है जो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऑल ओवर बात करें तो सीट की फ्रंट सीट की परफॉर्मेंस ठीक है। अब बात करता हूं गाड़ी की बैक सीट्स की और स्पेस की, कि आखिर बैक सीट्स कैसी हैं। जैसा कि थार एक 3-डोर व्हीकल है तो आपको बैक सीट के लिए यहीं से जाना पड़ेगा, यहाँ पे जो पैसेंजर बैठा होगा उसको पहले उतरना पड़ेगा, ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये सीट होंगी पीछे, तब जाकर आसानी से पीछे दूसरा आदमी बैठ सकता है। लेकिन जो पीछे बैठ सकते हैं सिर्फ दो ही आदमी बैठ सकते हैं। आप सोचे कि थार में पीछे 3 लोगों को बिठा लूं, तो भूल जाइए,
थार में दो ही लोग बैठ सकते हैं। और दूसरी बात और बता दूं कि जिन लोगों को मोशन सिकनेस की दिक्कत है, उनको डीजल और चलती गाड़ियों में पीछे बैठने में दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सफोकेशन महसूस होगी और आपको बहुत सारा बॉडी रोल महसूस होगा, तो मोशन सिकनेस वाले लोग पीछे नहीं बैठ सकते। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अगली दोनों सीट बिल्कुल कंफर्टेबल है, लेकिन उधर पिछली सीट की बात करूं तो उनमें कोई खास कंफर्ट नहीं है। अब बात करता हूं गाड़ी के बूट स्पेस की कि आखिर में आपको इसमें कितना बूट स्पेस मिलता है। इसमें आपको ठीक ठाक सा बूट स्पेस मिलता है, या बोलूं कि कम ही मिलता है। गाड़ी आगे से आपको देखने में लगती है कि ये बहुत बड़ी है, लेकिन ऑल ओवर बात करें तो आगे से तो बड़ी है, लेकिन पीछे से ये गाड़ी छोटी सी है, कोई खास लेंथ नहीं है इस गाड़ी की। तो गाड़ी की इतनी सारी चीजें बताने के बाद अब मेन पॉइंट आता है कि गाड़ी में कमियां क्या क्या हैं। मैं आपको एक एक कमी गिनवाऊंगा, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन कमियां सुनने से पहले जाएं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसा क्वालिटी कंटेंट बनाते रहे। तो कमियों में सबसे पहले बात करते हैं, गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा बॉडी रोल है। अगर आप इसे हाईवे पे चला रहे हैं या आप इसे कॉर्नर्स पे मोड़ रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर बेहद बॉडी रोल है। जो लोग नॉर्मल सेडान या नॉर्मल कॉम्पैक्ट एसयूवी चलाते हैं, उसके कंपैरिजन जब वो इस गाड़ी को चलाएंगे, वो महसूस करेंगे कि इस गाड़ी में अच्छा खासा बॉडी रोल है। लेकिन जो इसकी फ्रंट सीट्स हैं, उन पैसेंजर्स को या उन ड्राइवर्स को वो बॉडी रोल इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जो रियर में बैठने वाले हैं उनको एक एक बॉडी रोल महसूस होता है। अब बात करते हैं रास्ते में आने वाले पाथ होल्स की, ब्रेकर्स की, कि गाड़ी में क्या वो फील होते हैं। पाथ होल्स की और ब्रेकर्स की बात करूं तो जब भी कोई गड्ढा आएगा, महिंद्रा थार को गड्ढा महसूस नहीं होगा, लेकिन इसमें बैठे हुए जो अंदर लोग हैं उन्हें वो गड्ढा वो ब्रेकर जरूर महसूस होगा, और पीछे वालों को तो आगे वालों से भी वो चीज ज्यादा महसूस होगी। इस चीज का मैं दावा करता हूँ। जितने भी लोग महिंद्रा थार ओन कर रहे हैं या उसमें वो बैठे हैं, वो भी महसूस करेंगे कि इस गाड़ी में आपको पाथ होल्स महसूस होते हैं। मे बी जो पीछे वाली सीटिंग है वो बिल्कुल टायर्स के ऊपर है, ये रीजन हो सकता है, या वट एवर द रीजन इज, बट आपको पाथ होल वगैरह महसूस होते हैं। अब बात करता हूँ गाड़ी की तीसरी कमी की, जिससे हर कोई परेशान है। महिंद्रा ने सोचा वो एक ऑफ रोड व्हीकल बना रही है तो थोड़ी विंटेज फीलिंग दे, तो उन्होंने इसको ओपन करने के लिए चाबी वाला सिस्टम दे रखा है। गाड़ी का टॉप वेरिएंट होने के बावजूद भी अंदर से इसको खोलने का सिस्टम नहीं है, आपको पेट्रोल पंप पे ये चाबी निकालनी पड़ेगी, गाड़ी बंद करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यहाँ पे आएंगे, इसको खोलेंगे और इसमें पेट्रोल डलवाएंगे, जो यूजर एक्सपीरियंस को बड़ा ही खराब बनाता है और बहुत सारे महिंद्रा ओनर्स इससे परेशान है। महिंद्रा को ये चीज फ्यूचर में इम्प्रूव करनी चाहिए कि ऑफ रोड फीलिंग, विंटेज फीलिंग, अब इस मामले में कंफर्ट को लेकर किसी को नहीं चाहिए, ये चीज एक डिस्कम्फर्ट पैदा करती है। अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर एक चीज है जिसकी वजह से दिक्कत होती है, वो है गाड़ी का ग्लव बॉक्स। गाड़ी का जो ग्लव बॉक्स है ये इतना छोटा सा है, बिल्कुल स्मॉल इन साइज है, इसमें आप अपना कोई खास डॉक्यूमेंट्स या सामान नहीं रख सकते, आप गाड़ी की किट भी इसके अंदर नहीं रख सकते, जो एक मजेदार बात नहीं है। गाड़ी का ग्लव बॉक्स थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गाड़ियां भी एक डिसेंट ग्लव बॉक्स आपको प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं गाड़ी के IRVM की, रियर व्यू मिरर की, कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। गाड़ी का जो ये IRVM है, ये आप ध्यान से देखें, ये थोड़ा स्मॉल इन साइज है, क्योंकि जब भी आपको पीछे देखना होगा तो आप देखेंगे कि पीछे जो अलॉय व्हील की प्लेसमेंट है वो पीछे वाली स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर है, आधी स्क्रीन इस व्हील की वजह से छुप जाती है, जिसकी वजह से पीछे देखने में काफी दिक्कत होती है। ऊपर से वो IRVM भी छोटा है, जब भी आप हाईवे पे ड्राइव करेंगे, ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा सतर्क, थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है, क्योंकि पीछे का व्यू आपको ठीक नहीं मिलता। या तो वो IRVM स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो या अलॉय व्हील थोड़ा सा नीचे जाए, तब जाके बात बने। क्योंकि गाड़ी की एक और कमी है, गाड़ी का टॉप वेरिएंट होने के बावजूद इसके अंदर आपको रियर व्यू पार्किंग कैमरा नहीं मिलता। छोटी छोटी गाड़ियों में भी आजकल रियर व्यू पार्किंग कैमरा कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, तो 19 लाख की गाड़ी में भी आपको एक रियर व्यू पार्किंग कैमरा मिलना चाहिए, जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब गाड़ी की ऐसी कमी की बात करने वाला हूं जो किसी को कमी लगती है, किसी को नहीं, क्योंकि ये एक आदत की बात है। 90% गाड़ियों में आप देखेंगे कि आपको पावर विंडो कंट्रोल यहां पर मिलते हैं, लेकिन महिंद्रा थार की बात अलग है। महिंद्रा थार ने आपको पावर विंडो के कंट्रोल सेंटर में दे रखे हैं,
जब भी आप पहली बार ये गाड़ी चलाएंगे या दो चार पांच दिन आपको इस चीज की आदत नहीं होगी, आपको ये बड़ा ही वेयर्ड सा लगेगा कि पावर विंडो आपको वहां से कंट्रोल करने पड़ते हैं। महिंद्रा थार अगर पावर विंडो कंट्रोल यहाँ दे देती तो थोड़ा सा और मजा आ जाता। अब दूसरी और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करता हूँ, वो है गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन और टेथरिंग के नॉइसेस। जितनी भी ये गाड़ी चल चुकी है, जैसे कि लगभग 40,000 किलोमीटर, कोई चाहे कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके अंदर बहुत सारी वाइब्रेशन और टेथरिंग नॉइस क्रिएट हो चुके हैं कैबिन के अंदर। बिल्कुल भी मजा नहीं आता। अगर आप गड्ढों वाली सड़क या ईंटों वाली सड़क पे गाड़ी को चलाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपको बहुत सारी चिक चिक पिक टिक टीटी पीटी बहुत महसूस होती है, जो एक सही बात नहीं है। अब मैं गाड़ी के इंजन से रिलेटेड एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बहुत लोगों ने महसूस की होगी, वो है गाड़ी का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। जो गाड़ी का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें लैग है, बट वो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा स्लो है। बहुत स्पीडली रैपिडली वो शिफ्टिंग नहीं करता, कहीं ना कहीं उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, जो बहुत लोगों ने महसूस किया होगा, लेकिन इस गाड़ी के ओनर ने ये महसूस किया है। अब हम आते हैं गाड़ी के फाइनल कंक्लूजन पे कि आपको महिंद्रा थार खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। महिंद्रा थार आपको खरीदने से पहले बता दूं कि इसमें एक बड़ा ही अपर फील होता है, ऊंचा महसूस होता है गाड़ी में, एक कंफर्ट के मामले में भी, एक स्टेटस के मामले में भी। आपको ड्राइवर की एक अच्छी खासी सीट महसूस होती है, जैसे कि आप फॉर्च्यूनर एंडीवर में महसूस करते हैं। कंक्लूजन जानने से पहले जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट बनाते रहें। तो कंक्लूजन निकल के ये आता है कि अगर आप लाइफ में पहली बार गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और आपके घर में कोई और गाड़ी मौजूद नहीं है और आप एक फैमिली पर्सन है, तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो आपके घर में एक और गाड़ी का होना जरूरी है, क्योंकि ये गाड़ी प्रैक्टिकल टर्म्स में इतनी अच्छी नहीं है कि आपके ऑफिस के बिजनेस के काम निपटा दे। ये गाड़ी एक शौकिया गाड़ी है, जैसे कि यंग बच्चे या ऐसे ओल्ड इंसान जिनके अंदर अभी भी युवा जिंदा है, जो एडवेंचर करना चाहते हैं, अच्छी फीलिंग लेना चाहते हैं, टोरा चाहते हैं, वो इस गाड़ी को जरूर खरीदे, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मार्केट में आपकी एक अच्छी वैल्यू को ये गाड़ी बढ़ा देती है। लेकिन अगर दूसरी ओर आप काम धंधे वाले इंसान है, एक फैमिली पर्सन है, तो ये गाड़ी आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं है, आपको इसको लेकर ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जाएं, अपना ध्यान रखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।